बिहार में राजनीति के नए नए कॉन्सेप्ट चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि बिहार में पलटू राजनीति चलती है, दही चूड़ा की राजनीति होती है, अब मछली चावल की भी राजनीति हो रही है, तमाम तरह की राजनीति हो रही है। लेकिन इसी बीच जमुई के सांसद लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपना एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है घर फोड़ राजनीति। चिराग पासवान खुद को, अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। और वही चिराग पासवान संजीवनी बुट्टी लाने के जगह खुद गदा से प्रहार करते नजर आ रहे हैं। विगत कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे थे कि जब भी हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी और जो भी बातचीत होगी उसके बाद हम ये ऑफिशियल ऐलान करेंगे कि हम एनडीए के साथ पूर्ण रूप से हैं। लेकिन एनडीए में जाने से पहले ही चिराग पासवान ने एनडीए के साथ जो बड़ा खेला किया है, क्या कितना इसका असर पड़ेगा चिराग पासवान पे, वो तो आगे का समय बताएगा। लेकिन अभी जो घरफोड़ राजनीति चिराग पासवान जिस कंसेप्ट के साथ शुरू किए हैं, क्या लगता है बिहार में विगत कुछ दिन पहले चिराग पासवान ये हर जगह कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, अंधभक्त की तरह चिराग पासवान ये सब जगह कहते रहते थे कि मैं प्रधानमंत्री को कभी छोड़ नहीं सकता हूं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, उनका विचार बहुत अच्छा है। इन सभी बातों के साथ चिराग पासवान हमेशा गुणगान करने में लगे रहते थे। लेकिन आज वही चिराग पासवान क्यों प्रहार कर रहे हैं बीजेपी पे, क्यों प्रहार कर रहे हैं मोदी जी पे? इस सत्ता का लालच, इस सत्ता का सुख सब कोई चाहता है। हर कोई, हर व्यक्ति, हर पार्टियां चाहती है कि हमारी पार्टियां बड़ी पार्टियां बन के उभरे। क्या इसी कंसेप्ट के साथ चिराग पासवान ने घरफोड़ राजनीति का कंसेप्ट लाया है? एक खबर आई है बिहार के मधुबनी जिला से, बेनीपट्टी विधानसभा से, जहां के वर्तमान विधायक विनोद नारायण झा के पुत्र डॉक्टर विभय कुमार झा को लोक जनशक्ति पार्टी आजीवन सदस्यता की अगर बात की जाए, इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर विभय कुमार झा अपने जीवन के पूरी राजनीति में कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास से अलग नहीं होंगे। अब आप ये बताइए कि जिसके पिताजी खुद बेनीपट्टी विधानसभा से विधायक हैं और उनका बेटा दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो ये क्या आपसी तालमेल की गड़बड़ी कही जाएगी, या बीजेपी में विनोद नारायण झा का शीर्ष नेतृत्व के साथ तालमेल नहीं है, या पिता या पुत्र के साथ बगावत हो चुका है? यहां तक कि पार्टी में शामिल होने के बाद ये भी खबर आई कि डॉक्टर विभय कुमार झा खुद बेनीपट्टी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये भी बीजेपी पे ब्लेम लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मेरे पिताजी का शीर्ष नेतृत्व के साथ तालमेल अच्छा नहीं है, जिसके कारण अगले चुनाव में हमको टिकट नहीं मिलेगी। इसी कारण हम लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास का आजीवन सदस्यता ग्रहण किए हैं। तो क्या इस पूरे भूमिका में चिराग पासवान आपको कहां नजर आ रहे हैं? चिराग पासवान हनुमान के जगह अब भस्मासुर का रूप धारण कर लिए हैं, जो खुद नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ रह के जिस राजनीति का प्रशिक्षण उन्होंने लिया है, अब खुद वो राजनीति उन्हीं पे अप्लाई करते नजर आ रहे हैं। क्या इस रवैये से चिराग पासवान अपनी अगली राजनीति एनडीए के साथ कर पाएंगे? कितना उनका महत्व रहेगा एनडीए के साथ? क्या उनको प्रधानमंत्री पहले की तरह सम्मान दे पाएंगे? क्या चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब बैठ पाएंगे? इन सब बातों का जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक फिलहाल आप देखते रहिएगा फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।